हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 एचआर। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे रीजनिंग के सेशन में। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, एनालिटिकल रीजनिंग, है ना। हमने बहुत सारे एग्जांपल, बहुत सारी प्रैक्टिस इसमें हम लोग कर चुके हैं, है ना। अब हमारा ये सेशन है वो समाप्ति की ओर है और कम से कम 2 या 3 लेक्चर और लगेंगे जिसमें हम इस पूरे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को ख़त्म कर देंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, द नेशन फेस्ट द इंक्रीज इंटरनेशनल अपोजिशन, द इंक्रीज इंक्रीज इंटरनेशनल अपोजिशन opposition opposition due to its decision of performing 8 nuclear explosions. कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन कहता है कि द सिटीजन ऑफ द नेशन हैव फेवर्ड द डिसीजन, the citizen of the nation have favored the decision. ठीक है। कंक्लूजन सेकेंड कंक्लूजन कहता है some powerful nations do not want that other may become powerful. ठीक। ऑप्शन ए only conclusion first follows, ठीक है। ऑप्शन बी कहता है only conclusion second follows, ऑप्शन सी either conclusion first or second follows the neither
कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, ठीक है, ई बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, ओके, ये है हमारा सवाल। स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई नेशन एक्स है, कोई होगा देश, हैज फेस्ड द इंक्रीज्ड इंटरनेशनल अपोजिशन ड्यू टू इट डिसीजन ऑफ परफॉर्मिंग 8 न्यूक्लियर वेपन। यानी कि कोई नेशन एक्स है ना, उसका बहुत इंटरनेशनली विरोध हो रहा है, दुनिया के बहुत सारे देश उसका विरोध कर रहे हैं, क्यों? ड्यू टू द डिसीजन ऑफ परफॉर्मिंग 8 न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोजन, यानी कि उसने लगातार 8 न्यूक्लियर परमाणु विस्फोट कर दिए, ठीक है। तो नेशन एक्स का बहुत सारे देश विरोध कर रहे हैं क्योंकि उस देश ने लगातार 8 न्यूक्लियर यानी कि परमाणु बम विस्फोट करने का निर्णय किया है, ठीक है। अब कंक्लूजन वन कहता है कि द सिटीजन ऑफ द नेशन हैव फेवर्ड द डिसीजन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये कंक्लूजन थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स लग रहा है, गलत है। चलो टेक्स्टिफाई करते हैं कि सिटीजन ऑफ द नेशन है फेवर्ड द डिसीजन, यानी कि जो देश, उस देश के नागरिक हैं उनको उस डिसीजन का साथ देना चाहिए, कहने का मतलब ये है ना। यहाँ पे कोई बात हो ही नहीं रही सिटीजन से रिलेटेड कि सिटीजन के लोगों को साथ देना चाहिए या विरोध करना चाहिए, फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरा, अगर सपोर्ट भी कर रहे हैं, अपोज भी कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट विरोध क्या है, इंटरनेशनल विरोध हो रहा है, विरोध दुनिया के देश कर रहे हैं, दूसरे देश, ऐसे अमेरिका, इंडिया ने किया था जब परमाणु विस्फोट, तो अमेरिका ने बहुत बहुत ज़्यादा आलोचना की थी, सैंक्शन लगाए थे, प्रतिबंध लगाए थे भारत के ऊपर, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ऑप्शन जो कंक्लूजन फर्स्ट है वो हो जाएगा गलत। अब कह रहा है सेकंड कंक्लूजन कि सम पावरफुल नेशन डू नॉट वॉन्ट द डू नॉट वॉन्ट द अदर मे बिकम पावरफुल, द अदर मे बिकम पावरफुल, यहाँ पे हमने अदर लिखना भूल गए, अदर के में अदर मे बिकम पावरफुल, यानी कि जो दूसरे देश हैं, पावरफुल कंट्रीज हैं ना, वो ये नहीं चाहते कि भाई दूसरे देश हैं वो भी पावरफुल बने। हाँ, अब भाई ये बताओ, हम अपने देश में परमाणु विस्फोट कर रहे हैं, ठीक है, रेडिएशन फैलेगा, हमारे यहाँ फैलेगा, तुम्हें क्यों पेन हो रहा है, विरोध इंटरनेशनल देश क्यों कर रहे हैं, इंडिया ने परमाणु विस्फोट किया, अमेरिका ने विरोध क्यों किया, क्योंकि भाई अमेरिका के पास परमाणु बम है, वो नहीं चाहता कि किसी और के पास परमाणु बम है, इसलिए अमेरिका विरोध कर रहा था। तो इसलिए ये जो कंक्लूजन बी है वो राइट मालूम पड़ रहा है कि भैया जो अदर पावरफुल नेशन है वो नहीं चाहते कि जो दूसरे देश हैं वो लोग क्या करें, तरक्की करें और पावरफुल बने। तो ऑप्शन जो कंक्लूजन सेकंड है वो सही मालूम होता है। तो पहला कंक्लूजन गलत है, दूसरा कंक्लूजन सही है, यानी कि ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, जो कि है हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलो नेक्स्ट, स्टेटमेंट कह रहा है कि द चीफ मिनिस्टर एम्फेसाइज द पॉइंट, द चीफ मिनिस्टर एम्फेसाइज्ड द पॉइंट
emphasize the point that the government will try that the government will try its best for the development of farmers for the development of farmers and rural poor and rural poor. Conclusion. पहला कंक्लूजन कहता है द फॉर्मर गवर्नमेंट फॉर्मर गवर्नमेंट had not tried seriously for the development of the these people. ठीक है. सेकंड कंक्लूजन कहता है द गवर्नमेंट विल नॉट ट्राई सीरियसली for the development of urban poor. Option A, only conclusion first follows. ठीक है. Only conclusion second follows. C, only conclusion second follows. Either conclusion first or second follows. D, neither conclusion first nor second follows. ठीक है. ऑप्शन ई कहता है If both conclusion first and second follows. ठीक है. ये है हमारा सवाल. अब क्या कहता है ये स्टेटमेंट कि द चीफ मिनिस्टर एम्फेसाइज द पॉइंट दैट गवर्नमेंट विल ट्राई इट्स बेस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फार्मर्स एंड रूरल पुअर्स. ठीक है. फार्मर्स यानी कि किसान
रूरल पुअर मतलब गांव के जो गरीब लोग हैं, रूरल मतलब गांव, पुअर मतलब गरीब, यानी कि चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री ने एम्फेसाइज मतलब जोर दिया है ना द पॉइंट मुद्दे पर कि गवर्नमेंट विल ट्राई इट, गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश करेगी फॉर द डेवलपमेंट, विकास के लिए किसके, फार्मर्स और रूरल पुअर्स के, यानी कि चीफ मिनिस्टर ने जोर दिया है कि भाई जो उनकी गवर्नमेंट है ना वो पूरा ट्राई करेगी, अपना बेस्ट ट्राई देगी फॉर द डेवलपमेंट यानी कि विकास के लिए, गरीबों के और किसानों के विकास के लिए, गरीब यानी कि जो ग्रामीण गरीब हैं उनके विकास के लिए और किसानों के विकास के लिए पूरा प्रयास करेगी। तो कंक्लूजन क्या कहते हैं, पहला कंक्लूजन कहता है द फॉर्मर गवर्नमेंट हैड नॉट ट्राइड सीरियसली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज पीपल, यानी कि जो पुरानी गवर्नमेंट है उसने अच्छी तरह काम नहीं किया है ना, अच्छी तरह काम नहीं किया किसके लिए, इन लोगों के, किसानों के और रूरल जो रूरल पीपल हैं, ग्रामीण गरीब लोग हैं उनके विकास के लिए, ये गलत है। ठीक है, पहली बात क्यों गलत है, पहली बात तो फॉर्मर गवर्नमेंट का कोई जिक्र नहीं है, चीफ मिनिस्टर ने सिर्फ स्टेटमेंट दिया है कि उनकी सरकार अच्छा काम करेगी है ना, उनकी सरकार अच्छा काम करेगी, उन्होंने प्रीवियस गवर्नमेंट का तो नहीं बोला। ठीक है, ना ही इस स्टेटमेंट से पता चलता है कहीं है ना कि प्रीवियस गवर्नमेंट की बात करिए कि प्रीवियस गवर्नमेंट ने अच्छे से काम नहीं किया, क्रिटिसाइज थोड़े ना किया चीफ मिनिस्टर ने। दूसरा, अगर फैक्चुअली भी सोचा जाए तो हमारी राजनीति में आरोप प्रत्यारोप बहुत लगते हैं। ठीक है, लोग कहेंगे बीजेपी की सरकार है तो कहेंगे ये नेहरू जी ने ये नहीं किया है ना, इंदिरा जी ने ये नहीं किया, बीजेपी वाले ये कहेंगे कि भाई कांग्रेस वाले कहेंगे कि मोदी जी ने ये नहीं करा, मोदी जी ने ये करप्शन कर दिया, तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, बट ये सत्य नहीं है ना। सब जितने भी जिन जिन पार्टियों की आज तक हमारे देश में सरकार बनी है सब ने अपने जो देश है हमारा उसके उसके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, तो फैक्चुअली भी गलत है और स्टेटमेंट के हिसाब से भी गलत है। दूसरा, द गवर्नमेंट विल नॉट ट्राई सीरियसली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन पुअर्स। ठीक है, कह रहा है कि जो गवर्नमेंट है ना वो शहरी गरीब है, अर्बन मतलब शहरी है ना, शहरी गरीब। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि भाई जो गवर्नमेंट जो है वो सीरियसली काम नहीं करेगी किनके लिए, शहरी गरीबों के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है रूरल पुअर्स। ठीक है, तो ये कंक्लूजन दे दिया, लेकिन ये कंक्लूजन भी गलत है। पहली बात तो अर्बन पुअर से रिलेटेड कोई बात ही नहीं करी चीफ मिनिस्टर ने बात करी है सिर्फ और सिर्फ किसकी, फार्मर्स की और रूरल पुअर्स की, अर्बन पुअर्स की कोई बात ही नहीं हुई। तो जब अर्बन पुअर्स की कोई बात ही नहीं हुई, स्टेटमेंट में है ही नहीं, तो गलत। ठीक है, दूसरा, अगर फैक्चुअली सोचे तो चीफ मिनिस्टर ने ये कहा है कि वो किसानों और ग्रामीण गरीबों के विकास पे ज़्यादा ध्यान देंगे, खास ध्यान देंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रूरल पुअर्स के लिए बिल्कुल काम नहीं करेंगे, तो फैक्चुअली भी ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो कंक्लूजन वन फर्स्ट भी गलत, कंक्लूजन सेकंड भी गलत, यानी कि कोई कंक्लूजन ठीक नहीं है, यानी कि नीदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन वन फॉलोज सेकंड फॉलोज। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टेटमेंट नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा कि द मेजॉरिटी ऑफ इंडियन लेबर्स, द मेजॉरिटी ऑफ द majority of Indian laborers, the majority of Indian laborers
बिलोंग्स टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, बिलोंग्स टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड मोस्ट ऑफ देम अर्न वेरी लो, एंड मोस्ट ऑफ देम अर्न वेरी लो, अर्न वेरी लो। कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या कहता है भाई कि लेबर्स बिलोंग्स टू ऑर्गेनाइज सेक्टर। पहला कंक्लूजन कहता है द लेबर्स बिलोंग्स टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, द लेबर बिलोंग्स टू ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैव बेटर बेनिफिट एंड स्टेबिलिटी, हैव बेटर बेनिफिट्स, हैव बेटर बेनिफिट्स एंड स्टेबिलिटी, एंड सेकंड क्या कहता है, सम लेबरर्स बिलोंग्स टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर, सम लेबरर्स बिलोंग्स टू, सम लेबरर्स बिलोंग्स टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैव रेगुलर एंड सर्टेन इनकम, हैव रेगुलर रेगुलर एंड सर्टेन इनकम। ठीक है, ऑप्शन ए ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, ऑप्शन बी ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज, ऑप्शन सी ईदर कंक्लूजन फर्स्ट एंड और सेकेंड फॉलोज, डी नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज। ठीक है, ऑप्शन ई बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। ठीक है, दोनों कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड दोनों फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन के माध्यम से कहना क्या चाह रहा है ये। ठीक है, द मेजॉरिटी ऑफ इंडियन लेबर्स बिलोंग्स टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड मोस्ट ऑफ देम
अनबेरी लो, ठीक है, यानी कि मेजॉरिटी, यानी कि बहुमत, यानी कि ज़्यादातर, ज़्यादातर जो भारतीय मजदूर हैं, इंडियन लेबर्स हैं, बिलोंग कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? अनऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज मतलब होता है असंगठित सेक्टर, यानी जो रेड़ी पटरी लगाने वाले लोग होते हैं, है ना, इनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह थोड़ा ना होती है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, एंड मोस्ट ऑफ देम अनबेरी लो, यानी कि इनमें से बहुत सारे लोग क्या कमाते हैं, बहुत कम पैसे कमाते हैं, ठीक है, बहुत कम पैसे कमाते हैं, यानी कि कहने स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत में जितने ज़्यादातर जो मजदूर हैं ना, वो किस में असंगठित क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, है ना, रेड़ी पटरी लगा ली या कोई और काम कर लिया, ऐसे काम करते हैं, ठीक है, और इनमें से ज़्यादातर लोग हैं ना बहुत कम कमाते हैं, ठीक है, हमने स्टेटमेंट को देख लिया और मान लिया बिल्कुल सही। पहली बात कि द लेबर, पहला कंक्लूजन कहता है द लेबरर बिलोंग्स टू ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव बेटर बेनिफिट एंड स्टेबिलिटी, कह रहा भाई जो लेबर, जो मजदूर बिलोंग्स टू ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो भी मजदूर हैं, है ना, वो क्या करते हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर, उनको ज़्यादा मिलते हैं बढ़िया बेनिफिट, बेटर बेनिफिट और स्टेबिलिटी, स्थायित्व, ठीक है, तो बात तो सही कह रहे हैं, बट ये किसी स्टेटमेंट से ताल्लुक नहीं रखती, हमें क्या है स्टेटमेंट को सही मानना है, क्या ऑर्गेनाइज सेक्टर का कोई जिक्र किया गया है, ठीक है, कोई जिक्र नहीं किया गया, तो स्टेटमेंट हो जाएगा गलत ऑटोमेटिकली, ठीक है। सम लेबरर्स, कंक्लूजन सेकंड की तरफ चलते हैं, सम लेबरर्स बिलोंग्स टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैव रेगुलर एंड सर्टेन इनकम, कह रहा भाई कुछ लेबरर्स, कुछ मजदूर जो बिलोंग करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि असंगठित क्षेत्र से, हैव रेगुलर एंड सर्टेन इनकम, यानी कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कुछ लोग, कुछ मजदूरों की जो इनकम है वो निश्चित है और रेगुलर है, तो कुछ मजदूरों की बात हो रही है, तो कुछ मजदूरों की हो सकती है ना, कोई ऐसा काम करते हो, मान लो कोई पर्सन है, है ना, वो आम के सीजन में आम बेच रहा है, तो उसकी एक सर्टेन इनकम हो जाएगी, है ना, कुछ लोग काम मोची है ना, और या फिर जो लस्सी वगैरह वाले हैं, तो इन पान वाले हैं, है ना, ये एक सर्टेन इनकम कमाते हैं, ठीक है, रेगुलर इनकम इनकी होती रहती है, ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो और दूसरी बात, सम की बात करेंगे, सम वाले ज़्यादातर स्टेटमेंट, जैसे ऑल वाले 98% क्या होते हैं, ऑल वाले 98% स्टेटमेंट गलत होते हैं, वैसे ही सम वाले 98% स्टेटमेंट हमेशा सही होंगे, बच्चों इस बात को याद रखनी है आपने। तो कंक्लूजन वन जो है हमारा रॉन्ग है, कंक्लूजन सेकंड जो है हमारा वो राइट है, ठीक है, तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, द मेजॉरिटी ऑफ इंडियन द मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन्स, द मल्टी नेशनल फास्ट फूड चेन्स द मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन्स have started their operation, have their operations
started their operations in India. In India. In India. After facing many problems. After facing many problems. Many problems. But Association of Farmers. But Association of Farmers. But Association of Farmers are ready for competition. Are ready for competition. For competition. Conclusion. कंक्लूजन पहला कंक्लूजन क्या कहता है कि एसोसिएशन ऑफ फार्मर आर नॉट सपोर्टिंग मॉडर्नाइजेशन. एसोसिएशन ऑफ फार्मर्स आर नॉट सपोर्टिंग मॉडर्नाइजेशन. आर नॉट सपोर्टिंग मॉडर्नाइजेशन. सेकेंड कंक्लूजन क्या कहता है. एसोसिएशन ऑफ फार्मर आर नॉट रेडी. Association of farmers are not ready. Not ready for competition with multinational companies. For competition. With competition with multinational companies. ठीक है. ऑप्शन ए only conclusion first followed. Option B only conclusion second follows. C either conclusion first or second follows. D neither conclusion first nor second follows. ठीक है. और ऑप्शन ई क्या कह रहा है. ऑप्शन ई कह रहा है बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो. ठीक है. तो ये है हमारा क्वेश्चन. ठीक है. तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि भाई
स्टेटमेंट कह रहा है कि द मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन, मल्टीनेशनल मतलब होता है कि ऐसी कंपनियां जो बहुत सारे देशों में एक साथ काम करती हैं, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा मैकडोनल्ड वगैरह, है ना, बीबो, ओप्पो, आप नेपाल में जाओगे वहाँ भी इनकी फ़ोन्स मिलेंगे, जापान में जाओगे वहाँ भी इनके फ़ोन्स मिलेंगे। तो ऐसी कंपनियाँ जो एक से अधिक देशों में काम करती हैं उनको मल्टीनेशनल कंपनीज बोलते हैं। तो मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन, यानी कि फ़ास्ट फूड मतलब आप समझ ही गए होंगे, आजकल के बच्चे आप लोग बहुत खाते होंगे फास्ट फूड, बर्गर, चाउमीन, मोमोज वगैरह, पिज्ज़ा वगैरह, है ना। तो फास्ट फूड चेन्स, यानी कि फास्ट फूड चेन्स मतलब फास्ट फूड बनाने वाली जो आउटलेट्स होते हैं, आप देखोगे मैकडोनल्ड बर्गर बन, मैकडोनल्ड कई शहरों में, जहाँ जहाँ शहरों में आप जाते होंगे वहाँ वहाँ आपको इसके स्टोर्स मिलते होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे स्टोर्स का एक जगह पे या पूरे देश में होना और उनको कहा जाता है फास्ट फूड चेन। और जब ये चेन्स बहुत सारे देशों में होती है, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, नेपाल में भी है, भूटान में भी है, तब इनको बोला जाता है मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन। समझ में आया मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन? तो द मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन हैव स्टार्टेड देयर ऑपरेशंस इन इंडिया, यानी कि जो मल्टीनेशनल जो बहुत सारे देशों में काम करने वाली फास्ट फूड चेन्स हैं उन्होंने अब इंडिया में भी अपने ऑपरेशंस यानी काम स्टार्ट कर दिए हैं। आफ्टर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याओं को फेस करने के बाद, ठीक है, बट एसोसिएशन ऑफ फार्मर आर रेडी फॉर कंपटीशन, ठीक है, बट एसोसिएशन ऑफ फार्मर यानी कि फार्मरों का जो मजदूरों का सॉरी किसानों का जो संगठन है अब वो उनको कंपटीशन देने के लिए रेडी है, ठीक है। तो कहने का मतलब स्टेटमेंट का ये है कि भाई जो मल्टीनेशनल एक से बहुदेशीय फास्ट फूड चेन्स हैं, बर्गर पिज्ज़ा वाली कंपनियां हैं, इन्होंने अपना जो कामकाज है अब इंडिया में स्टार्ट कर दिया है बहुत सारी दिक्कत परेशानियों के बाद, है ना। लेकिन साथ ही जो किसानों का जो संघ है उसने बोला है कि भाई देखो हम तो देंगे कंपटीशन, हम भी अपने प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, आओ देखें किसमें कितना है दम, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कह रहा है। अब इस स्टेटमेंट का कंक्लूजन क्या है? कह रहा है भाई एसोसिएशन ऑफ फार्मर्स आर नॉट सपोर्टिंग मॉडर्नाइजेशन, एसोसिएशन ऑफ फार्मर्स आर नॉट सपोर्टिंग मॉडर्नाइजेशन, यानी कि मजदूरों का जो संघ है ना, सॉरी किसानों का जो संघ है वो मॉडर्नाइजेशन यानी कि जो आधुनिकीकरण है उसको सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? ठीक है, तो दोनों तरह से देखते हैं इसको। तो कहाँ कहीं इसमें मॉडर्नाइजेशन का जिक्र हुआ है इस स्टेटमेंट में? नहीं ना, और यहाँ पे बात मॉडर्नाइजेशन की हो रही है तो ये गलत हो जाएगा ये स्टेटमेंट, ठीक है। जब मॉडर्नाइजेशन की बात की नहीं गई है स्टेटमेंट में तो कंक्लूजन मॉडर्नाइजेशन पे कैसे निकल आएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन दूसरा अगर फैक्चुअली भी सोचें तो इनका कहने का मतलब है, कंक्लूजन कह रहा है कि जो मजदूरों का जो किसानों का जो संगठन है वो मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकीकरण को पसंद नहीं करता है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक। क्या ये बात सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। हमारे फार्मर्स आज क्या देखो, हमारे जो किसान हैं आज खेती के लिए उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, ट्रैक्टर हो गया उन्नत तकनीक है, हाइब्रिड बीज हो गए, है ना, इसके अलावा फर्टिलाइजर्स, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, जो मॉडर्न वर्ल्ड में इन्वेंट हुई हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं है कि भाई कंपटीशन देने जा रहे हैं, है ना, तो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कंपटीशन किसी को कंपटीशन देने का मतलब ये थोड़ा ना हम इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सबको हक है अपने पसंद का व्यापार करने का। तो जब किसानों का संघ जो है अपने पसंद का व्यापार करना चाह रहा है तो उसमें प्रॉब्लम ही क्या है, है ना। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं सेकेंड स्टेटमेंट की तरफ। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि भाई एसोसिएशन ऑफ फार्मर यानी कि किसानों का जो संगठन है आर रेडी फॉर कंपटीशन विद मल्टीनेशनल आर नॉट रेडी फॉर कंपटीशन विद मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है। अब कह रहा है कि भाई जो किसानों का जो संगठन है वो मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ कंपटीशन करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है, ये बड़ा नेगेटिव स्टेटमेंट है। अरे जब वो कंपटीशन की बात कर रहे हैं इसका मतलब किसी ग्राउंड पे कंपटीशन की बात कर रहे होंगे, मार्केट में वो उनके आगे टिकेंगे या नहीं टिकेंगे वो एक अलग की बात है, है ना, बट कंपटीशन तो देंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा और कंक्लूजन सेकंड भी गलत हो जाएगा, यानी कि ना तो कंक्लूजन फर्स्ट और ना ही कंक्लूजन सेकंड,
दोनों में से कोई सही नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा नीदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन वन फॉलो, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो ये है। तो अभी इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे के सेशन में हम और डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट कंक्लूजन को, है ना। तो अभी शायद दो लेक्चर दो जो हैं इसके लिए और लगेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ में, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।